بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد पिछले दर्स में हम लोग इस शेर पर रुके हुए थे وَتَوَقُّدُ عَزْمِي يَتْرُكُ الْمَاءَ جَمْرَةً وَحِيلَةُ حِلْمِي تَتْرُكُ السَّيْفَ مِبْرَدًا यहाँ तक हमने पढ़ा था और ये अशार हैं जिन अशार के अंदर शायर अपने आप के का फ़ख्र बयान अपने आप के तई फ़ख्र ज़ाहिर कर रहा है और अपने खुददारी को ज़ाहिर कर रहा है इस चीज़ को बयान करते हैं ये सारे अशार ये सारी लाइनें आज हम इसके में कुछ आगे पढ़ेंगे जितना टाइम हमें इजाज़त देगा पहले मैं इबारत पढ़ देता हूँ शायर कह रहा है وَأَزْمَعُ إِنْ أَبْدَى لِيَ الْمَاءُ مِنَّةً وَلَوْ كَانَ لِي نَهْرُ الْمَجَرَّةِ مَوْرِدًا وَلَوْ كَانَ إِدْرَاكُ الْهُدَى بِتَزَلُّلٍ رَأَيْتُ الْهُدَى أَلَّا أَمِيلَ إِلَى الْهُدَى وَإِنَّكَ عَبْدِي يَا زَمَانُ وَإِنَّنِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي أَنْ أُرَى لَكَ سَيِّدًا तीन लाइनें सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद जैसा टाइम रहेगा वैसा हम फिर आगे पढ़ेंगे यहाँ से सबसे पहले इसके अल्फाज मानी पर अगर मुश्किल या गरीब कलिमात हैं उन पर एक नज़र डालते हैं शायर कह रहा है व अज़्मा यहाँ पर एक फ़ेल है ये ज़मीआ यज़्मा और बाब समिया से है और वाहिद मुतकलम का सेगा है फ़ेल मुज़ारे है जिसका माना है प्यासा रह जाना या प्यासा होना ज़मीआ यज़्मा प्यासा होना वह अज़्मा यानी मैं प्यासा रह जाता हूँ इन अब्दा ली अल्मा उमिन्नतन अब्दा असल में ये जो है फेल है बाबी फाल से आता है अब्दा युब्दी इब्दा अन उसके माने हैं जाहिर करना लिया असल में ली है लेकिन शेर मिलाने की वजह से लिया पढ़ा गया है शेर की वजह से अल्मा उमिन्नतन मिन्नतन के माने होते हैं एहसान जमा मिननुन मिन्नतुन जमुहा मिनन इसका माना होता है एहसान वलौ कान ली नहरुल मजर्रति मौरिद अलमजर्रा क्या होता है मजर्रा आसमान में सितारों का एक मजमू है जो काफ़ी ऐसे लंबाई की शक्ल में मौजूद होता है रात में दिखता है वो और वो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है तो एक लोगों का एक मतलब या उस टाइम पे या लोगों का एक मानना है कि ये कोई नहर है कोई जो वहाँ पर मौजूद है तो एक लोगों का जो मानना है या लोगों का मतलब जो एक तरह की सोच है उन सितारों के बारे में उसी का एतबार करते हुए इसने कहा है मजर्रा की नहर हालांकि वो नहर नहीं है लेकिन लोग मानते हैं उसी का एतबार करते हुए इसने उसको नहर करार दिया है कहते हैं कि वो नहर है और बहुत साफ़ सुथरी नहर है वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है मतलब बिल्कुल यानी कि जिस नहर पर कोई ना पहुँचे तो बहुत ज़बरदस्त नहर होगी साफ़ सुथरी होगी उसका पानी अच्छा होगा तो उस नहर पर कोई नहीं पहुँचा है तो वो दुनिया में पाई जाने वाली सारी नहरों में से सबसे उम्दा नहर वही है तो ऐसा होता है बार दफ़ा मतलब जो है कि बाज़ लोगों के जो मान्यताएँ होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर बोलते हैं बादल का फटना बादल फट जाना बोला जाता है आजकल ये ख़बरों में भी आता है या हर जगह ये चीज़ बोली जाती है कि फलां जगह बादल फटने से जो है सैलाब आ गया या इस तरह से पूरी तबाही मच गई तो बादल कोई फटता थोड़ी है कोई पोलोथीन ओलोथीन टाइप की थोड़ी कोई चीज़ है कि बादल फट जाएगा नहीं लेकिन पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि ये बादल कोई जैसे किसी चीज़ में रखा हुआ है और यानी कि पानी जो है बादल के अंदर वो किसी चीज़ में ऐसे रखी हुई है और वो फट जाता है तो फिर ज़्यादा सा पानी गिर जाता है तो ये जो पुरानी मान्यता है या जो पुरानी मैके बात है वही अब तक चली आ रही है और बादल फटने का मतलब जो इस्तलाह है या क्लाउड बर्स्ट है या बादल का फटना ये सब अभी तक इस्तलाह चली आ रही है हालाँकि बादल फटता नहीं है बादल में कोई ऐसा कोई बर्तन या कोई पोलोथीन टाइप की चीज़ नहीं है कि वो फट जाए और पानी भक्त से गिर जाए नहीं ऐसा नहीं होता है बल्कि और ये बादल तो यहाँ जहाँ भी होता है कि अचानक
कहीं अचानक क्या है बहुत ज़्यादा बारिश है, बारिश के आसार ना हो उतनी तेज़ बारिश के, लेकिन अचानक इतनी बारिश हो जाए कि पूरा का पूरी तबाही मच जाए, सैलाब आ जाए, तो वहाँ बोला जाता है बादल का फटना। और इसके पीछे पुरानी एक रिवायत है, मान्यताएँ हैं उसकी जो है उसी एतबार से। तो यहाँ मजर्रा का ताल्लुक भी तकरीबन वैसे ही है, नहरुल मजर्रत यानी कि मजर्रा की नहर। मौरिदन, मौरिद के माने होता है वारिद होने की जगह, वरदा यरिदो, ये वरदा यरिदो से है, बाबे जरवा यरिदो से है, और वरदा यरिदो गुरुदन फहुआ वारिदन व उरिदा यूरदो गुरुदन फहुआ मौरूद। ऐसे जो ज़र्फ़ आएगा वो ज़र्फ़ मौरिद आएगा, वरदा जैसे मजरब आता है, जरवा यरिदो से मजरबन आएगा ज़र्फ़, ऐसे ही वरदा यरिदो से ज़र्फ़ आएगा मौरिद। मौरिद कहते हैं वारिद, एक लफ्ज़ी माना हो जाएगा वारिद होने की जगह, वारिद होने की जगह, ये इसका लफ्ज़ी माना होता है। लेकिन वो ऐसा इसका मफहूम क्या है, असल में क्या होता है कि नहर वगैरह के किनारे जो एक जगह बनी होती है कि लोग वहाँ आएँ, वहाँ से नहर से पानी पिएँ, या जिसको पानी ले जाना है ले जाए, तो उस जगह को बोलते हैं मौरिद, जिसको हम दूसरे अल्फाज में घाट कह सकते हैं। घाट यानी कि घाट, नहर के हर जगह घाट नहीं बना होता है, एक ख़ास जगह बना होता है जहाँ पर कि लोग क्या होता है अपने काम के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी लेते हैं या जो भी करना होता है जाते हैं, वो एक बना होता है अच्छे से ताकि वहाँ गिरे ना कोई, इधर उधर ना हो जाए। तो मौरिद जो है यही इसी को कहते हैं, यानी कि घाट को कहते हैं या उतरने की जगह। और इसकी जमा आती है मवारिदो, मौरिदुन जमउहु मवारिदो। इसके बाद आगे शेर कह रहा है कि वलौकाना इदराकुल हुदा बितज़ल्लुलिन, अलहुदा हुदा माने यहाँ पर क्या हो जाएगा मकसूद और मतलूब, क्योंकि जो हिदायत जो है हर किसी के मतलब तमन्ना होती है कि वो उसको हिदायत मिले, तो इस एतबार से लाजमी माना इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मुराद ले रहा है कि मकसूद और मतलूब या मकसद या मतलब, ये माना है। अदरका इधर को मैंने पाना होता है बाबी फाल से है, तो इदराकुल होता यानी कि मकसूद को पाना या अपने मतलूब को हासिल करना। बी तज़ल्लुलिन, तज़ल्लला या तज़ल्लल, तज़ल्लला या तज़ल्लल, इसका माना होता है रुसवा होना। तज़ल्लुल के माने यहाँ पर है रुसवाई। रायतुल हुदा अल्ला अमीला इलल हुदा, यहाँ पर अलहुदा के माने सवाब या दुरुस्तगी का माना शायर ले रहा है। अलहुदा हुदा कई जगह आया है, पहला हुदा मकसूद और मतलूब, दूसरा हुदा दुरुस्तगी या सवाब, और तीसरा हुदा ये पहले हुदा की तरफ क्या है इशारा कर रहा है, यानी कि उसी मकसूद और मतलूब की तरफ। तो यहाँ पर अमाल अमीर जो है मायल होना, इसका माना है बाल ज़रबा से आता है, तालील इसमें हुई है मायल यमीलो, इसकी असल है वायद मुतकलिम का सेगा ये है, तो असल में हो जाएगा अम ये लो अजरीबो के वजन पर, और ये सिर्फ तालील इसमें हुई है कि या मुतहर्रिक है उससे माँ अम ये लो में, या मुतहर्रिक है माकबल साकिन है इसलिए या की हरकत माकबल को दे दी गई है, तो हो गया है अमीलो, वाज़ह है सब का कादा है ये। दोनों को पहले माने पर आते हैं हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। शेर कह रहा है व अज़मा इन अब्दा लि अल मा उमिन्नतन वलौ कान लि नहरुल मजर्रति मौरिदा। इसमें अपनी खुददारी और काफ़ी हद तक जो है मुबालगा करके बयान कर रहा है कि मैं कितना बड़ा खुददार इंसान हूँ, कि अगर मुझे कोई कितनी से बड़ी भी चीज़ अगर मुझे मिल जाए, लेकिन अगर वहाँ मेरा इंसल्ट हो रहा हो, वहाँ मेरी तौहीन हो रही हो, तो मैं उस चीज़ की तरफ क्या है कतअन नज़र भी नहीं उठा करके देखता हूँ। यानी कोई चीज़, और पहले इसका मुश्किल लफ्ज़ी माना करते हैं, उसके बाद इसके मफहूम पर आते हैं। शेर करें कि वह अज़मा हो और मैं प्यासा रह जाता हूँ, इन अब्दालियल मा उमिन्नतन, अगर मेरे तई पानी एहसान को एहसान जाहिर करता है, मतलब एहसान जितलाता है या कुछ भी इस तरह का माना जो है, अगर कोई एहसान के साथ मुझे कोई चीज़ देता है तो मैं उस एहसान को लेता नहीं हूँ बल्कि उसके बगैर ही मैं जीता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है वह अज़मा हो और मैं प्यासा रह जाता हूँ, अगर जाहिर करता है मेरे लिए या मेरे तई पानी एहसान को। वलौ कान ली नहरुल मजर्रति मौरिदा, अगरचे मेरे लिए ये मजर्रा, ये नहर मजर्रा या कहकशां करना की नहर घाट क्यों ना हो, अगर अगरचे मेरे लिए मजर्रा की नहर
घाट क्यों ना हो या पानी पीने की जगह क्यों ना हो, तो ये इसका माना हो गया। और इसके अंदर ये लफ्ज़ी माना मुराद नहीं ले रहा है यहाँ पर शायर जो है, इससे किनाया कर रहा है दूसरी चीज़ों की तरफ, क्योंकि ना ही पानी किसी पर एहसान जिताता है, एहसान जिताना पानी का काम नहीं होता है, और ना ही क्या है नारे मजर्रा क्या है ये घाट होता है। लेकिन यहाँ पर ये किनाया इसे ले रहा है इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी आदमी या कुछ कोई भी चीज़ या अगर कोई भी आदमी या उसको कोई भी पोस्ट मिलती है या उसको कोई भी रुतबा मिलता है, लेकिन उस पोस्ट में उस रुतबे में वहाँ उसकी ज़िल्लत हो रही हो, वहाँ उसकी तौहीन हो रही हो, यहाँ उधर एहसान जिताया जा रहा हो, तो कह रहा है कि मैं उस पोस्ट को लात मार देता हूँ। और वो पोस्ट चाहे किसी DM का पोस्ट हो, वो पोस्ट चाहे किसी मिनिस्टर का पोस्ट हो, वो पोस्ट चाहे किसी PM का पोस्ट हो, वो पोस्ट चाहे किसी प्रेसिडेंट का पोस्ट हो किसी कंट्री के या राष्ट्रपति का पोस्ट हो, कितना बड़ा भी पोस्ट अगर मुझे मिले लेकिन वहाँ मेरी क्या है इज्जत और मेरी खुददारी अगर वहाँ उसको ठेस पहुँचती हो, मुझे क्या है किसी तरह से भी मतलब वहाँ मतलब अनकम्फर्टेबल फील करता हो आदमी, उसको जो है उस पर कोई एहसान जीता है या इस तरह से कुछ करे, तो कह रहा है मैं उसको लात मार देता हूँ, मैं उस पोस्ट के बगैर ही जीता हूँ जो है। तो ये इसकी जो है हद दर्जे की खुददारी अपनी जो है इस शेर के अंदर बता रहा है, यानी कि पानी वानी लफ्ज़ी मुराद माना मुराद नहीं है, यहाँ पर किनाया कर रहा है वो दुनियावी माहौल की तरफ इशारा कर रहा है कि वह अजमाओ और मैं प्यासा रह जाता हूँ अगर मेरे लिए या मेरे तई पानी एहसान ज़ाय करता है, अगर अगरचे मेरे लिए नहर मचर्रा घाट क्यों ना हो, यानी कि इस दुनिया की जो है सबसे उम्दा जो नहर है जो लोग मानते हैं कि ये जो मचर्रा है जो ऊपर तारे वहाँ जो ऊपर एक नहर की तरह से दिखता है कि बहुत साफ़ सुथरी नहर है, वहाँ कोई मतलब गया नहीं है कोई उस पर कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नहर है, तो अगर यही नहर ही क्यों ना हो लेकिन मुझे मिल रही हो पानी पीने के लिए, लेकिन उसके साथ क्या है अगर एहसान जितलाना अगर उसके साथ शामिल है, तो मैं इस नहर मजर्रा को भी लात मार देता हूँ, उसको पैर मार देता हूँ और उसकी तरफ मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। तो ये शायर है और ये दुनिया में हर चीज़ में रहा है, क्योंकि खुददार आदमी जो होता है वो कितनी से बड़ी चीज़ हो लेकिन क्या है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी खुददारी के साथ, कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो। तो यही शायर यहाँ जो है अपनी हद दर्जा खुददारी को बता रहा है। उसके बाद कह रहा है वलौ काना इदराकुल हुदा बितज़ल्लुलिन, और अगर मतलूब और मकसूद को हासिल करना या पाना ज़िल्लत के साथ हो, फिर वही माना जो है तकरीबन उसी की दूसरी तरह से वज़ाहत दूसरे अल्फाज में उसी माने की ताकीद कर रहा है, और अगर हिदायत यानी कि मतलूब और मकसूद को हासिल करना ज़िल्लत के साथ हो, कोई चीज़ आदमी अपना मकसद हासिल कर रहा है लेकिन वहाँ उसको जलील किया जा रहा है, ज़िल्लत के साथ अपना ज़िल्लत के साथ उसको कोई चीज़ मिल रही है, तो यह कहता है कि रायतुल हुदा, तो मैं दुरुस्तगी समझता हूँ किस चीज़ में, फ़ी यहाँ अन ला, असल में अन ला अन से पहले फ़ी है, और अन से पहले ये जहाँ भी देते हैं हर फिजर वगैरह कोई आता है तो वो उसको हज़फ कर देता है क़ियासी तौर पर, तो रायतुल हुदा फ़ी अन ला अमीला इलल हुदा, तो मैं सवाब और दुरुस्तगी या बेहतरी किस चीज़ में समझता हूँ, इस चीज़ में कि मैं मायल ना हूँ उस मकसूद और मतलूब की तरफ, यानी कि उस मकसद और मतलब की तरफ जो पहले गुजर चुका है। तो ये अलहुदा से मुराद यहाँ ये पहला वाला होता है जो यहाँ पर है। फिर एक बार इसको इशार कर रहा है वलौ काना इदराकुल हुदा बितज़ल्लुलिन, अगर मकसूद और मतलूब या मकसद और मतलब को पाना ज़िल्लत के साथ हो, रायतुल हुदा, तो मैं बेहतरी इस चीज़ में समझता हूँ कि मैं ना मायल हूँ उस मकसद और मतलब की तरफ या उस मकसूद और मतलब की तरफ। दोनों शेर के अंदर शायर जो है अपनी खुददारी बयान कर रहा है, पहले उसमें कि अगर कोई बड़ी चीज़ मुझे मिल रही है लेकिन वहाँ क्या है एहसान वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जितला रहा है या ऐसे मतलब कि तुम्हें ये मिलती नहीं लेकिन तुम्हारे ऐसे किया हूँ तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया हूँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको क्या है लात मार देता है, एहसान कहीं नहीं हो जाता है, क्योंकि एहसान जो जितलाना ये किसी आदमी के खुददारी को क्या होता है दबाना होता है या खुददारी को मतलब जो है ललकारना होता है। उसके बाद क्या है वलौ काना इदराकुल हुदा बितज़ल्लुलिन, इसमें भी क्या है शायर कह रहा है कि अगर मेरी मुझे कोई चीज़ मुझे मैं जिस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ वो चीज़ अगर मुझे मिल रही है लेकिन वहाँ मेरी ज़िल्लत हो रही है, ज़िल्लत के साथ वो मिल रही है, कोई पोस्ट मिल रहा है अच्छा सा, कोई DM का पोस्ट मिल रहा है या किसी और
कमिश्नर का पोस्ट मिल रहा है या किसी भी अच्छा हाई फाई पोस्ट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ जलील करके वो पोस्ट मुझे दिया जा रहा है या उस पोस्ट पर रहते हुए मैं जिल्लत का सामना करता हूँ, तो फिर कह रहा है कि मैं दुरुस्तगी यही समझता हूँ कि मैं उस पोस्ट की तरफ ना जाऊँ, उस पोस्ट की तरफ ना तवज्जो दूँ और उसको क्या है दरकिनार कर दूँ, उससे लात मार दूँ। तो ये दोनों के दोनों जो अशआर हैं, ये दोनों मतलब जो है बहुत ही शायर की जो है खुददारी को बयान करते हैं, और ये खुददारी बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को ये खुददारी अपनी जो है उससे कभी उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, खुददारी को बचा के रखना चाहिए, इसी यही बात को यहाँ पर बयान किया गया है। यहाँ पर वह अज़म व इन अब्दालियलमा उमिन्नतन अज़म व, मैंने कि ये जुमला फैलिया है, उसके बाद इन हरफ शर्त है और अब्दालियलमा उमिन्नतन ये क्या है पूरा इसका क्या है जुमला शर्त है, और इसकी जैसा कहाँ है जैसा यहाँ पर महजूफ़ है जिस पर क्या है अज़म व दिलालत कर रहा है, यानी कि जैसा वही होगा मफहूम है कि अगर पानी मेरे लिए क्या है एहसान चलाता है तो मैं प्यासा रह जाता हूँ, तो चूँकि जो है पहले वाला कलिमा इस पर दलालत कर रहा है उसके जैसा यहाँ से महजूफ़ है। कलाम अरब में ऐसा होता है उस लूप में कि मतलब अगर जजा पर सियाक अगर दलालत करता है तो जजा को हज़्फ़ कर दिया जाता है, अक्सर होता है बहुत है। आइए आगे वाला ऐसे ये भी मिलेगा वलौकान अली नहरुल मजरत मौरदा, अगर यहाँ ये जो लौ है कुछ लोग इसको हम लौ असलिया कहते हैं, इराब करते वक्त कहते हैं कि मतलब जो ये लौ असलिया है इसका जजा नहीं आता, यानी कि अगरचे या जो अगरचे का जो माना जहाँ देता है जैसे इन भी आता है जैसे व इन व लौ इस तरह आता ना कि अगरचे अगरचे का माना, तो इसका जजा नहीं आता, इसको लौ असलिया कहते हैं, नहीं इसका क्या है सिर्फ शर्त ही होता है। उसके बाद है वलौकान इदराकुल हुदा बि तज़ल्लुलिन, यहाँ पर लौ हर्फ शर्त है और उसके बाद काना इदराकुल हुदा बि तज़ल्लुलिन, ये पूरा जुमला क्या है उस लौ का शर्त है और उसका जजा है रायतुल हुदा अल्ला अमीला इलल हुदा, तो रायतुल हुदा अल्ला अमीला अलल हुदा ये जुमला जो है फिर जजा हो जाएगा इस लौ का जो कि पहले आया हुआ है। यहाँ पर काना को हम देखेंगे तो काना फिल नाफिस है और इदराकुल हुदा इदराक मुजाफ और अल हुदा मुजाफिल है, ये काना का इस्म है। बितज़ल्लुलिन ये क्या है काना की खबर है जो कि असर हो जाएगा लौ काना इदराकुल हुदा कائنًا بتزللن یا حاصلًا بتزللن اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی کانا کی۔ اس کے بعد رأیت الہدى الا امیل الى الہدى، تو یہاں پر جو ہے یہ رأیت فعل ہے، اس کے بعد ہدى کیا ہے اس کا جو ہے مفعول، رأیت اس کے اندر رأیت کے اندر آیتہ جو ہے اس کا فاعل ہے، اور الہدى کیا ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ اور اگر جی اگر اس کو ہم رویا بصریہ اگر ہم کریں گے تو اس کو بنا جب بتایا کہ یہ جو مفعول جو ہے اللہ امیر الہدا یہ دوسرا مفعول ہو جائے گا، الہدا کیا ہے پہلا مفعول ہو جائے گا، اور یہ رائے تو فعل و فاعل ہے، الہدا اس کا پہلا مفعول ہے اور اللہ امیر الہدا ان جو ہے یہ اپنے ماں باپ کیا کرے گا سب کو مصدر بنائے گا، اور یہ مصدر مؤول را کا دوسرا فاعل ہو جائے گا، را قلبیہ کی صورت میں یعنی کہ سمجھنا کا معنی اگر ہے یا میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اسی کرتے ہیں، را بصریہ کرتے ہیں زیادہ فٹ بیٹھ رہا ہے یہاں پر۔ تو رائے تو فعل و فاعل ہو گیا، الہدا اس کا مفعول اول ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ امیلا الی الہدا یہ پورا جو ہے مصدر مؤول ہو کر کے نصب کے محل میں ہو جائے گا، اور یہ یعنی کہ فی محل نصب مفعول ثان لفعل رأیت، تو رأیت فعل را فعل وهو مبنی علی السکون لاتصاله بتاء المتکلم والتاء ضمیر متصل مبني على التم في محل رفع لأنه فاعل، لأنه فاعل. الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر، أنا بقى اللي بتاعي أنا بدي أشرح لك التأذر يعني جو جيز امبوسيبل هو ألا أميل على الهدى، جہاں اس کو تل لمبا ہو جائے گا پھر اس کی ترکیب کریں گے، لیکن یہ کیا ہے پھر یہ ان حرف شرط ہے، لا امیلا کیا ہے فعل ہے اس کے اندر ونا کی ضمیر یہ مستطیر ہے اس کا فائل ہے، اس کے بعد الی الہدیٰ جار مجرور متعلق ہے امیلا فیل سے، اور یہ پورا مصدر مؤول ہوگا جو کہ رائے فیل کا دوسرا مفعول ہوگا۔ اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلے درس میں پھر آگے والی چیز پڑھیں گے۔